कौन of R, एक कोई कौन है जिसका रेडियस हमें दियाटिंग ऑन द स्लेंट सर्फेस ऑफ कॉन इज स्लेंट सरफेस पर कितना फोर्स लग रहा है लिक्विड की वजह से नेग्लेक्ट एटमोसफेरिक स्पेयर एटमोस्फेरिक प्रेशर इजियर वे टू डू दिसम इज बेसिकली अगर हम ऐसा सोचें कि यहां पर इस कौन की जगह पर अगर मान लेते एक सिलेंडर होता तो बेसिकली ये पार्ट ऑफ लिक्विड बेसिकली ये पार्ट ऑफ लिक्विड इस सलेंट सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा इस सलेंट सरफेस के ऊपर फोर्स ये बाकी पार्ट तो निचे की तरफ अपना प्रेशर एग्जेट कर देगा पर यह वाला जो पार्ट ऑफ लिक्विड है जो मैं शेडेड कर रहा हूं यहाँ पर यह पार्ट ऑफ लिक्विड यहाँ पर इस सिलेंड सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा तो अगर मैं इस पार्ट ऑफ लिक्विड का वॉल्यूम निकालू तो वॉल्यूम शेडेड वॉल्यूम शेडेड वॉल्यूम तो शेडेड वॉल्यूम क्या होगा इस पार्ट ऑफ लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कौन का वॉल्यूम टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है भैया पाई आर स्क्वायर इन एच माइनस कौन का वॉल्यूम कितना है वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर इंटू एच which means it is nothing but 2/3 pi r square into h now this is the volume so basically इसके ऊपर अपने वेट की वजह से फोर्स लगा रहा होगा तो इस पूरे पूरे शेडेड का अगर वेट लिखा जाए तो वेट लिखा जाएगा इसकी डेंसिटी वॉल्यूम which is nothing but 2/3 pi r square h तो ये वेट इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा जो तो फोर्स होगा टू बाई थ्री पाईआर स्क्वायर एच इन टू रो विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा सही होना चाहिए